फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे, गोल्ड जो है वो भारत के लिए वो लेके आए थे। हरियाणा के ये निवासी हैं। और टोक्यो ओलंपिक यहाँ पे 2021 है, 2021 में भारतीय जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर, एक बार आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से स्टैटिक जीके के सेशन में मैं आपसे जुड़ चुका हूं। स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्लास आपके हिमाचल पुलिस के एग्जाम के लिए रहेगी, उसके साथ साथ एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए भी आपके ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी पिछले कल ही हिमाचल पुलिस की भर्ती की नई नोटिफिकेशन निकाली गई है सुक्खू सरकार के द्वारा, और कंडक्टिंग एजेंसी जो है हिमाचल पुलिस के एग्जाम की वो है एचपीपीएससी। तो एचपीपीएससी का जो लेवल है वो पहले से ही हाई रहा है क्वेश्चंस का, तो अब जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे हिमाचल है, इंडिया है, या वर्ल्ड जीके है, करंट अफेयर है, उन सभी का लेवल जो है वो अब हाई रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है, किसानों की इनकम को ग्रोथ के लिए, यानी कि उनकी आय को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जो है या सेंटर की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो कोई ना कोई न्यू स्कीम जो है वो किसानों के लिए लेके आती ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। तो नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है किसान कल्याण मिशन, इसका शुभारंभ किसने किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात। इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने नई मुहिम स्टार्ट की है किसान कल्याण मिशन। ध्यान रखना आपको थोड़ी सी इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया था, और इस यहाँ पे जो वहां के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा इस स्कीम की शुरुआत 2021 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% COVID-19 वैक्सीन। यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, हिंदी में कंप्लीट क्वेश्चन दिया है कि कौन ऐसा राज्य है जहां पे 100% COVID-19 की टीकाकरण जो है वो लगाया गया है। पहला शहर जो है वो आपको बताना है जहां पे 100% वैक्सीनेशन जो है वो की गई है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो वैक्सीनेशन से जुड़ा है, टीकाकरण अभियान से मिशन इंद्रधनुष जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बताए गए ऑप्शन इंदौर, पुणे, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर, ये चार ऑप्शन आपके पास बताए गए हैं। 100% जहां पे टीकाकरण हुआ है वो है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। COVID-19 काफी घातक बीमारी थी, एक वायरस था, काफी लोगों की डेथ हुई, लाखों के हिसाब से लोगों की डेथ हुई, और पूरी दुनिया में इसका जो था वो एक कहर जो था वो मचा था, और WHO ने इसे जो है वो महामारी भी, एक पेंडेमिक डिजीज के रूप में भी इसको घोषित किया था, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सो इसका राइट आंसर भुवनेश्वर रहेगा। 100% COVID-19 की टीकाकरण का जो एम पूरा किया गया है ये किया गया है भुवनेश्वर के द्वारा, और ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जो है वो ऐसा हिमाचल का जिला बना है जिसमें सबसे पहले जो है वो टीकाकरण 100% जो है वो हुई है। हिमाचल के एस्पेक्ट से भी, हिमाचल जीके के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और एचपीपीएससी का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा हाई लेवल रहता है क्वेश्चंस के लिए, इसलिए हिमाचल पुलिस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे रहेगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को, 21 जून को, या फिर 2 मार्च को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए गए हैं, 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसके साथ साथ जैसे 22 मार्च है जब वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं,
नेक्स्ट 16 सितंबर है, ओजोन डे मनाया जाता है। O3 जो है वो ओजोन का फॉर्मूला है। उसके बाद जैसे योगा डे की बात करते हैं, 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और योगा की मुहिम जो है वो हमारे ही देश भारत ने जो है वो मुख्य रूप से स्टार्ट की है। उसके बाद जैसे पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाते हैं, शरणार्थी दिवस 20 जून को, डॉक्टर दिवस जो है वो 1 जुलाई को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और जैसे इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। सो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट सेशन के इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं, जो हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस वे में नहीं आएगा कि ओजोन डे कब मनाते हैं, ठीक है, आपको इस वे में आ सकता है, उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है, उसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर जैसे जो रेयर केस में जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जामिनर उसको जो है वो क्वेश्चन में डाल देता है, जैसे कि डॉक्टर डे, ठीक है, 1 जुलाई को वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ कश्मीर की बेटी, यानी कि कश्मीर की बेटी जो है वो एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, इस बुक को किसने लिखा है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है शत्रुघ्न प्रसाद, दूसरा है रघुवंश प्रसाद, तीसरा अरविंद शर्मा, और लास्ट है विजय कुमार चौधरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेक करना है, कमेंट आप जरूर करें हमारे साथ साथ इस क्लास के साथ, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। कश्मीर की बेटी के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। शत्रुघ्न प्रसाद जी के द्वारा जो है वो कश्मीर की बेटी जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, कश्मीर की बेटी जो है वो लेखक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसका अन्य उपन्यास जो है वो क्षिप्रा साक्षी है। क्षिप्रा साक्षी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो वो लिखा गया है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, कोई अवार्ड जो है वो भी उनको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन ओलंपियन नीरज चोपड़ा वोन द गोल्ड मेडल बाय द थ्रोइंग अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर। हमने 2-3 दिन पहले जो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास हुई थी उसमें हमने ये चीजों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, 2020 में होने थे, 2021 में हुए कोरोना की वजह से, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उनके द्वारा जो फेंकी गई थ्रो थी वो कितने मीटर की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, राइट आंसर रहेगा 87.58 इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। और अभी लेटेस्ट में पेरिस ओलंपिक हुए हैं, वहां पे उनको जो है वो सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है, सेकंड पोजीशन पे वो वहां पे रहे हैं, और टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे, गोल्ड जो है वो भारत के लिए वो लेके आए थे। हरियाणा के ये निवासी हैं, और टोक्यो ओलंपिक यहाँ पे 2021 है, 2021 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 87.58 मीटर की दूरी में भाला फेंका था, जैवलिन थ्रो हम जिसको कहते हैं, और उनको जो है वो स्वर्ण पदक से नवाजा गया था, गोल्ड मेडल उनको दिया गया था। ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक जो थे वो 2020 में होते हैं, ठीक है, कोरोना की वजह से डिले हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं कब, 2021 में। वैसे हर 4 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक होते हैं, अभी पेरिस में हुए 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ई 2025 इनिशिएटिव फोकस ऑन, यानी कि अभी कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 की पहल जो है वो स्टार्ट की गई है, ई 2025 इलेक्ट्रॉनिक 2025 हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत भी इसको ई 2025 बोल सकते हैं। तो वो किस चीज के ऊपर फोकस करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली हमारी हेल्थ के ऊपर, जो भी हमारा फैमिली हेल्थ है, इन्वायरमेंट हेल्थ है, एटमॉस्फेरिक हेल्थ है, उन सभी के ऊपर जो है वो फोकस करती है, साथ में स्टेट, नेशन और वर्ल्ड तीनों के ऊपर जो है वो WHO फोकस करता है। इसमें बताया गया है कि कौन सी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है, जैसे पोलियो, मलेरिया, स्वच्छ पेयजल, सामुदायिक स्वास्थ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मलेरिया से, ठीक है, तो मलेरिया के लिए जो है वो ई 2025 जो है वो एक मुहिम WHO के द्वारा स्टार्ट की गई है। आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट
इसमें यही चीज बताई गई है WHO के द्वारा 2025 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो 25 देशों में जो है वो रखा गया है कि 25 देशों में मलेरिया जो है वो जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, जो कि मोदी सरकार के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं HPPSC HPS 2016 मेडिकल ऑफिसर 2020 में आपका ये एग्जाम पूछा गया है, और PSC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिमाचल पुलिस के लिए, HP पुलिस, या फिर जो भी अनदर एग्जाम है जिसको HPPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2015 या 2 अक्टूबर 2014। महात्मा गांधी जी के बर्थडे के ऊपर जो है वो मोदी सरकार ने स्वच्छ अभियान की स्टार्टिंग की थी, तो आंसर तो 2 अक्टूबर ही यहां पे रहेगा। लेकिन स्टार्ट कब हुआ, जब गवर्नमेंट बनी, कब बनी, 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को ही भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना जो थी वो कर दी थी। उसके तहत ही हर घर में सफाई जो है वो भी अभियान हिमाचल गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो सेंटर की गवर्नमेंट ने किया था। आप देख सकते हैं इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी तभी से सेंटर गवर्नमेंट ने सोच लिया था 2019 से ही, और अभी कुछ समय पहले जो है वो इसको 2.0 जो इसका कार्यक्रम है वो भी सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल डिड इंडिया विन टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में, वैसे 2020 में होने थे, कोरोना की वजह से डिले हुए, 2021 में हुए, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे, ये आपको बताना है, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4 या 1, इसका राइट आंसर रहेगा 4 कांस्य पदक जो थे वो भारत ने जीते थे। गोल्ड मेडल भी जीता था नीरज चोपड़ा जी ने, हरियाणा से वो रहने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन, पिछले डे की जो हमारी क्लास थी उसमें हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे जो है वो 4 कांस्य पदक जो थे वो जीते थे। आप लिख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते गए थे, 7 मेडल जो है वो भारत ने जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, वो तो डायरेक्ट नीरज चोपड़ा जी ले गए, 2 जो थे वो सिल्वर थे, और 4 जो थे वो मिले थे कांस्य पदक। कांस्य पदक आप देख सकते हैं कब से कब तक चला, 23 जुलाई 2021 से स्टार्टिंग हुई टोक्यो ओलंपिक की, क्योंकि कोरोना के बाद ये डिले हुआ था, और ये चला था 8 अगस्त 2021 तक। इसमें 39 स्वर्ण पदकों के साथ जो है वो अमेरिका पहले स्थान पे रहा था, और भारत का स्थान की अगर बात करें तो ये 48वां था, 48th जो था वो भारत का स्थान रहा था टोक्यो ओलंपिक में, और टोक्यो कहाँ पे है, जापान में, तो जापान ने इसकी जो थी वो मेजबानी थी। मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ उसकी भी करंट जो आपके वीडियो है वो आपको मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद, जिसमें हम टोक्यो ओलंपिक के बाद जो भी नई नई चीजें हमारे भारत के खिलाड़ियों ने सीखी हैं, वहां पे पार्टिसिपेट किया, कौन से मेडल जीते, किस शहर में हुआ, क्या उनकी थीम थी, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम एक सेपरेट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, टीवी चैनलों में प्रयुक्त शब्दावली टीआरपी। टीआरपी आपने सुना होगा, किसी चैनल की टीआरपी अप हो जाती है, किसी की डाउन हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी। फर्स्ट है टेलीविजन रिवर्स पॉइंट, नेक्स्ट टेलीविजन रिजल्ट पॉइंट, थर्ड टेलीकास्ट रिवर्स पॉइंट, या लास्ट है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो टीआरपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। कोरोना की फुल फॉर्म हमने पिछले कल पढ़ी थी, उसके साथ साथ हमने MRI की फुल फॉर्म भी डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी का मतलब क्या होता है, टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है वो टीआरपी का मतलब है। यहाँ पे जो भी टीवी चैनल्स हैं वो कैसे फेमस होते हैं, जैसे ट्रेंडिंग का काम होता है, ठीक है, यूट्यूब क्या करती है, ट्रेंड करती है किसी चीज को, उसको फेमस कर देती है, पब्लिश हाईएस्ट रीच पे पहुंचाती है, वैसे ही जो टेलीविजन के जो चैनल्स होते हैं उसमें टीआरपी का मुख्य
काम रहता है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल कितना जो है वो लोकप्रिय, यानी कि कितना देखा जाता है, कितना वो ट्रेंडिंग में वो रहता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, इन विच कंट्री ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सरकार की नई नई स्कीमें जो लॉन्च हुई हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। 1500 की जो स्कीम है हिमाचल गवर्नमेंट की, वहां से क्वेश्चन आएंगे। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, वहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो किस देश के साथ जो है वो किया जाता है। ये जो ऑपरेशन है बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, जिसमें भारत के साथ अन्य कौन सा देश रहता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर चाइना। इसमें अफगानिस्तान का जो है वो मुख्य रोल रहता है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसी ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। इसकी शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2021 से, और जब भी अन्य देशों से किसी भारतीय को अगर बाहर लेके आना है तब भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो नई नई मुहिम जो है वो चलाई जाती है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर आप हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पेड कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको नोट्स की नीड है इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। जो भी हमारे पेड कंटेंट है फ्री, हमारी जो क्लासेस हैं उनकी भी अपडेट आपको डेली टू डेली हमारे द्वारा मिलती रहेगी। सो जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।